उत्तराखंड में लगातार गिरते तापमान के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। अस्थमा के मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद देखी जा रही है। इसके अलावा खांसी और जुकाम के मरीज भी ज्यादातर संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल में भी मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स ने लोगों को एहतियात बरतने के लिए सलाह दी है, साथ ही ठंडी चीजों से परहेज करने के लिए भी कहा है। दमा, खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज आ रहे हैं। सरकार जो है वो सुविधाएं बढ़ाए, दवाएं बढ़ाए, डॉक्टर बढ़ाए, और सुविधाएं जो दून में जो नहीं है वो सुविधाएं दे, नई से नई तकनीकी वो जो मशीनें हैं वो उपलब्ध कराएं। जितने भी लोग हैं मॉइस्चराइजर का पूरा अच्छे से इस्तेमाल करना है, सुबह नहा धो के मॉइस्चराइजर लगाना है और एक बार शाम में चाय के साथ लगा लेंगे, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब लोग लगाएंगे। और ज़्यादा देर धूप में नहीं, ये नहीं करना है कि महिलाएं क्या करती हैं, आमतौर महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं इससे सनबर्न के, वो क्या करेंगे अपना सारा काम लेके धूप में छत पर बैठ जाएंगी, ठीक है, एक एक दो दो घंटा बैठे हैं तो एक्यूट सनबर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से नहीं बैठना है, आप जाइए, मना नहीं कर रहे हैं, आप काम करके वापस आ जाइए फौरन, ठीक है। आजकल ठंड के सीजन में सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल फीवर, दमे की बीमारी और ख़ासकर हार्ट के मरीजों को बहुत एहतियात बरतनी चाहिए आजकल, क्योंकि आज के सर्दी के मौसम में हार्ट के केस बढ़ जाते हैं, MI, एंजाइना। प्रिकॉशन में दही, चावल, ठंडा पानी, इन सब का परहेज करना चाहिए।